Hey y'all, this week I'm going to share you the workouts and the treatment for your face and neck area. That includes your cervical, throat, for the patients who are suffering with thyroid, double chin, जिनको बहुत ज़्यादा चीनी हो जाता है और बहुत ज़्यादा डबल चिन हो जाता है, द ओवरवेट पेशेंट्स, द पेशेंट्स फॉर दोज हु हैव डार्क सर्कल, समवॉट फ्राउन लाइंस, एंड द लास्ट वर्कआउट विच यू गोना यूज इज द एंटायर फेस वर्कआउट इन विच वी शो हाउ टू लिफ्ट योर फेस, हाउ टू मेक योर चिन शार्प एंड हाउ टू जस्ट यूज योर चबी चीज. तो ऑल दीज 5 categories of workout you're going to see this coming week. And today you're going to see the workout for your throat region that can be effective for those who have thyroid issues. Have a happy health. Tabletop posture लें, हाथों को head से आगे place करें और खुद को नीचे की तरफ खींचते हुए chin को tap करें. जितनी बार भी आप नीचे आएं, हर बार आपका chin mat से tap हो. आप इस exercise को दिन में 3 बार कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ट्राई करें. इस एक्सरसाइज में आप हाफ कैमल पोस्चर लेंगे. अपने एक हाथ से टो के ऊपर हाथ रखें या हील के ऊपर और दूसरे हाथ से खुद को पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ खींचें. आप इसे दोनों ही तरफ से परफॉर्म करेंगे दिन में कम से कम 2 बार. हम इस पोज में फिश पोज लेने की कोशिश कर रहे हैं. आप आराम से अपने पैरों को सीधा करके स्ट्रेच करें और धीरे धीरे अपने नेक को नीचे की तरफ पुल करें एल्बोज के बेस पर. आप इसे मिनिमम 60 सेकेंड्स होल्ड करें. इस पोस्चर में आप पेट के बल लेट जाइए, टोज को ऊपर ले आएं, अपने दोनों ही हाथों को सर के आगे रखते हुए हाफ कोबरा स्ट्रेच लें. आप जब भी नीचे आएं, एल्बोज को मैट पे रखें और ऊपर स्ट्रेच करते हुए अपना नेक पुल करें. इसे कम से कम दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट के लिए परफॉर्म करें. अब टाइम है रेस्ट का. आपको कुशन या पिलोज का पाइल बनाना है और यहाँ पर अपने अपर बैक पर इसे प्लेस करना है. धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करते हुए अपने अपर बैक के नीचे पाइल रखें, हेड को नीचे की तरफ, अपने दोनों ही पैरों को बटरफ्लाई पोस्चर में स्ट्रेच करें और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए कम से कम 5 मिनट तक लें.